राज्य आपदा प्रतिसाद बल SDRF की ओर से बटालियन मुख्यालय गाडोता में आयोजित प्रथम अंतर कंपनी खेलकूद प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में जयपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, दौसा, सीकर, कोटपुतली सहित कई शहरों की ख्याति प्राप्त कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं पेश कर श्रोताओं का तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन PK मस्त ने किया। कार्यक्रम में विश्वनाथ शर्मा जयपुर, भागीरथ सिंह झुंझुनू, हरीश हिंदुस्तानी नवलगढ़, राजकुमार बादल भीलवाड़ा, PK मस्त पुलिस आयुक्तालय जयपुर, डॉक्टर सुनीता जयपुर, दीपक सीकर, सपना सोनी दौसा, सिद्धार्थ कोटपुतली शामिल रहे। कार्यक्रम में दूदू विधायक बाबूलाल नागर एवं RAS अधिकारी नरेंद्र वर्मा के साथ अन्य गणमान्य जन शामिल रहे। विधायक बाबूलाल नागर ने बटालियन मुख्यालय में लाइब्रेरी के लिए एक कमरे बनाने की घोषणा की एवं कार्यक्रम में पधारे प्रत्येक कवि को 5,100 रुपये देने की घोषणा की। कार्यक्रम के अंत में SDRF सेनानायक पंकज चौधरी IPS ने कवि सम्मेलन में पधारे उपस्थित लोगों को धन्यवाद प्रेषित किया। SDRF बटालियन के प्रथम अंतर कंपनी खेलकूद प्रतियोगिता जो 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आयोजित की गई, उसके उपलक्ष्य में आज 1 अप्रैल को एक विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है और विराट कवि सम्मेलन के पहले पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। उसमें हमारे मुख्यालय के राजस्थान के सारे कंपनियों के जवानों, मैक्सिमम जवानों को हम लोगों ने पार्टिसिपेट कराया है और कोशिश है कि कवि सम्मेलन के माध्यम से जवानों के अंदर एक ऊर्जा का संचार हो, उनके अंदर एक एक भावना विकसित हो, आपस में एक समन्वय विकसित हो, ताकि वो और बेहतर जो है SDRF के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए।